अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मदर की एक खास रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें वो मटन तरकारी को बहुत ही सिंपल एंड देसी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, सबने बोला था कुकिंग की कोई वीडियो बनाएं, तो मैंने कोई ऐसे प्रोफेशनल वीडियो लेके नहीं आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही सिंपल और स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। होपफुली कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग कर लिए उन्होंने, दो बड़े टमाटर कट किए हैं कुछ इस तरीके से, बहुत बारीक चॉप नहीं किए हैं क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो हरी मिर्ची ले ली है तकरीबन 4 से 5 अदद, और उसको भी कट कर लिया है, और इस तरीके से हम इसको चॉपर में डाल के बहुत ही बारीक चॉप कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने दो मीडियम साइज के बड़े प्याज ले लिए हैं, उसको भी इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मटन ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 कप के करीब हम ऑयल डाल लेंगे, अगर आप घी यूज करते हैं घी भी डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पतीली में 1 कप के करीब ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट। मेरी मदर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हैं और देसी तरीके से बनाती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं करती हैं, सिंपल देसी मसालों को यूज़ करते हुए इसको बनाती हैं। यहाँ पे खड़े मसाले उन्होंने कुछ डाले हैं, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है एक, और तेज़पात है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और बादियान का फूल है थोड़ा सा, उसको तोड़ के डाला है। और इसको थोड़ा सा ऑयल में कड़का लेती हैं वो हमेशा, जब अच्छे से कड़क जाएंगे ये वाला साबुत गर्म मसाला, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसमें कड़क गया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज जो मीडियम साइज के उन्होंने चॉप करके रखे थे। मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं कुकिंग की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मेरी मदर बना रही थी और ये रेसिपी उनकी मुझे बहुत पसंद भी है, और बनने के बाद ये बहुत मजेदार भी बनती है ये मटन तरकारी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अब हमने प्याज को इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे लाइट पिंक कर लेना है, और इस तरीके से आप ढाम के भी रख सकते हैं। जितनी आप हल्की आंच पे प्याज को ब्राउन करेंगे, उतना ही आपका प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन होगा और उसका फ्लेवर भी एक बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए हल्का सा पिंक कलर हो चुका है, उसके बाद पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत तेज आंच पे मसाला कभी भी नहीं भूनती है मेरी अम्मी, उनका हमेशा कहना है कि हमेशा हल्की आंच पे मसाला भूनना चाहिए ये तड़का, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद जब उसकी स्मेल खत्म हो जाए अदरक लहसुन की, उसके बाद उन्होंने डाल दिया है यहाँ पे मटन, और उसको अच्छे से इसको इसमें भून लेंगे। ये देखें उसको उतनी देर तक भून लेंगे जब तक इस मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा से थोड़ी देर इसको ढांप के रख लेंगे, अगर इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल आएगा, और जो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो भी निकल आता है जब हम इसको ढांप के रखते हैं, और उसके बाद हम उसको तेज आंच पे भून के सुखा लेते हैं, तो इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो ये रीज़न है इसको हल्की आँच पर ढांप के रखने का। उसके बाद हम लोगों ने जो टमाटर और हरी मिर्च डाली थी ग्राइंडर में, उसको अच्छे से पीस लेंगे, और पीस के इसलिए वो डालती हैं इसमें क्योंकि हमने इसकी तरकारी बनानी होती है, तो वो चाहती हैं कि इसका जो शोरबा है वो बहुत ही स्मूथ बने, उसमें अलग से कोई टमाटर या हरी मिर्च नजर ना आए। उसमें इस तरीके से पेस्ट डाल देंगे, जब उसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा भून लेंगे हम लोग जब मटन को, उसके बाद हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद बाकी मसाले भी डाल लेंगे। लाल मिर्च उन्होंने यहाँ पर डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून, अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो कम डालिएगा, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हल्दी ऐड की है तकरीबन 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे पिसा हुआ जो सूखा धनिया जो होता है पिसा हुआ वो तकरीबन ऐड किया है 1 टीस्पून, और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऐसा मसाला उन्होंने नहीं डाला है जो इसके फ्लेवर को चेंज कर दे। इसका जो मटन का अपना एक फ्लेवर है वो इस रेसिपी में निकल के आता है। अगर आप सिर्फ इतने मसाले नमक मिर्च हल्दी ये चीज़ें डाल के बनाएंगे तो आप देखिएगा कि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट बनेगा, और जो एक्चुअल मटन का जो टेस्ट होता है वो इस रेसिपी में निकल के आता है, और खाने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार लगती है।
तो चलिए इसको, इस मसाले को जो हमने मिर्च मसाले इसमें डाले थे उसको इसमें अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने मसाले डालने के बाद इसमें मेरी अम्मी पानी डाल देती हैं, तकरीबन 1 से 2 गिलास के करीब पानी, और ताकि ये जो मसाले हैं इसमें अच्छे से भुन जाएं। वो कभी भी इसको कुकर में नहीं बनाती हैं, हमेशा चूल्हे पे बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब यहाँ पे वो इतनी हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगी और तब तक पका लेंगी जब तक ये जो पानी है ये अच्छे से सूख ना जाए और जो मटन है उनका वो ऑलमोस्ट जो है वो गल जाए। तो यहाँ पे देखें, ये पानी अच्छे से सूख चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे आपने रखना है। और उसके बाद ये देखें, ऑलमोस्ट ये गल चुकी है, इसकी जो पीसीज हैं वो गल चुके हैं। उसके बाद आपको जितना भी इसकी वो बनानी हो, जितना भी शोरबा इसका बनाना हो, उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। यहाँ पे देखें, जब अच्छे से भुन जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला उन्होंने नहीं डाला है, लेकिन उनका भूनने का स्टाइल इतना यूनिक है कि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही जबरदस्त आता है। तो यहाँ पे देखें, जब ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छे से ये पक जाए, इसका जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए, उसके बाद इसमें वो गरम मसाला ऐड कर देती हैं सिंपली, और उसके बाद आप इसमें धनिया ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो मटन तरकारी हो चुकी है यहाँ पर रेडी, और ये बहुत ही सिंपल एंड सिंपल सी देसी रेसिपी है मेरी मदर की, जो हम सबको बहुत पसंद है, जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, बना के उसके बाद खाने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। यहाँ तक वीडियो देखिए लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।